ऑनलाइन गेमिंग से प्रभावित होकर मित्र मित्र बना जान का दुश्मन, किया मित्र की निर्शंस हत्या। पूर्व में भी ऐसी घटनाएं हो चुकी है। ताजा मामला राजौंद थाना अंतर्गत सिकानपुर गांव निवासी रामदेव यादव द्वारा 2 जनवरी को राजौंद थाने में अपने 13 वर्षीय पुत्र दिलखुश कुमार का उनके घर से सोई अवस्था में अपहरण करने का केस दर्ज किया गया था, जिसमें 4 ग्रामीणों को नामजद कराया गया था। राजौंद थाने के द्वारा अनुसंधान शुरू किया गया, किंतु अगले दिन नयाडी गांव के बहियार स्थित एक पोखर से दिलखुश कुमार की लाश बरामद होने के बाद यह कांड अपहरण के बाद हत्या में तब्दील हो गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश के द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बांका के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बांका, थाना अध्यक्ष राजौंद तथा अन्य पुलिस बल शामिल रहे। मृतक अपने गांव के अन्य 2 लड़के आर्यन कुमार और प्रीतम कुमार के साथ मोबाइल पर फ्री फायर गेम खेलता था। आर्यन कुमार को खेलने के लिए मोबाइल नहीं था, जिसके लिए उसने 10,000 दिलखुश कुमार से उधार लिया था। वहीं दिलखुश कुमार पैसा वापस मांग रहा तथा गेम खेलने के लिए अपना मोबाइल देने से इनकार कर दिया। इस बात को लेकर आक्रोश में आर्यन कुमार और प्रथम कुमार ने मिलकर दिलखुश कुमार को 1 जनवरी की रात करीब 8 बजे घर से बुलाकर बहियार की तरफ ले गया और गमछी से गला दबाकर व कैंची से आंख फोड़कर उसकी नृशंस हत्या कर दी। हत्या के बाद दोनों अभियुक्त की निशाने पर हत्या में प्रयुक्त गमछा एवं कैंची को बरामद कर लिया गया है। इस प्रकार बेहतर अनुसंधान से न सिर्फ इस कांड से रहस्य पर्दा उठा है, बल्कि निर्दोष भी फंसने से बचे। वही MM न्यूज बांका तमाम बांका वासियों से अपील करती है कि बैन पबजी व अन्य ऑनलाइन गेम से बच्चों को दूर रखें, साथ ही साथ हो सके तो मोबाइल से भी। राजौंद थाना अंतर्गत सिकानपुर गांव के निवासी रामदेव यादव द्वारा 2 जनवरी 2024 को राजौंद थाना में अपने 13 वर्षीय पुत्र दिलखुश कुमार के सोए अवस्था में अपहरण करने का केस दर्ज कराया गया था, जिसमें गांव के ही 4 ग्रामीणों का इसमें नामजद करते हुए केस दर्ज कराया गया था और थाना के द्वारा जो है तत्काल 2 जनवरी को ही 24 केस दर्ज करके अपहरण का उसमें अनुसंधान शुरू किया गया। लेकिन अगले दिन जो है नयाडीह गांव के बहियार में, जो सिकानपुर के बगल में ही है गांव, उसके बहियार में एक पोखर से दिलखुश कुमार की जो अपहृत बच्चा था दिलखुश कुमार उम्र 12 वर्ष की लाश बरामद हुआ और उसके बाद जो है यह कांड अपहरण के बाद हत्या में तब्दील हो गया और मामला काफ़ी संगीन था और इसकी गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक बांका के द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बांका के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बांका, थाना अध्यक्ष राजौंद और DIU टीम के सदस्य शामिल थे। कांड का अनुसंधान आसूचना संकलन करके तकनीकी और गुप्त रूप से जब किया गया तो फिर एक नया तथ्य सामने आया कि दिलखुश कुमार का गांव के ही कुछ लड़कों के साथ में फ्री फायर गेम खेलने का आदि था और ये गांव के ही कुछ बच्चों के साथ में झुंड बना करके रात में बहियार में जा करके जो है फ्री फायर गेम खेलता था और उसका आदि हो चुका था वो। फिर मृतक के घर के पास एक अभियुक्त प्रीतम कुमार का चप्पल भी मिला था। इन सब वजहों के कारण जो है अनुसंधान की दिशा फिर दूसरी दिशा में चली गई। फिर आसूचना के आधार पर हम लोगों ने गांव के ही 2 लड़के आर्यन कुमार और प्रीतम कुमार, दोनों का घर सिकानपुर में ही था, उसको कस्टडी में लेकर पूछताछ किए गए तो सारे मामले का खुलासा हुआ। मृतक दिलखुश कुमार अपने गांव के ही 2 लड़का आर्यन और प्रीतम के साथ मोबाइल पर हमेशा फ्री फायर गेम खेलता था, उस गेम का एकदम आदि हो चुका था और आर्यन कुमार को भी खेलने के लिए मोबाइल नहीं था और इसके लिए उसने 10,000 रुपया जो है दिलखुश जो मृतक लड़का है उससे 10,000 रुपया उसने उधार लिया था। लेकिन आर्यन जो है मोबाइल के नाम पर यह पैसा उधार लिया था लेकिन वो मोबाइल जो है किसी कारण से नहीं खरीद पाया और उसका सारा पैसा जो है खर्च कर दिया, जिससे दिलखुश कुमार काफ़ी नाराज़ हो गया था और बोला कि तुम जो है मोबाइल के नाम पर पैसा लिए हो लेकिन मोबाइल भी नहीं खरीदा तो तुम जो है पैसा मेरा वापस करो और आज के बाद से फिर मोबाइल पर हम तुमको गेम खेलने के लिए नहीं देंगे। तो इस वजह से जो है आर्यन काफ़ी जो है आक्रोशित हो गया और अपने दोस्त प्रीतम के साथ मिल करके जो है इसने उसकी हत्या की प्लानिंग कर दी और 1 जनवरी 2024 की रात में करीब 8 बजे जो है आर्यन और प्रीतम जो है दिलखुश कुमार को उसके घर से बुला करके बहियार की तरफ ले गया और गमछा से उसका गला दबा करके और कैंची से आँख में गोद करके जो है उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी। दोनों अभियुक्तों की निशानदेही पर हत्या में जो प्रयुक्त गमछा और कैंची को जो है बरामद कर लिया गया है और इस प्रकार के बेहतर अनुसंधान से न सिर्फ इस कांड में रहस्य से पर्दा उठा बल्कि जो निर्दोष व्यक्ति थे वो भी फंसने से बचे। पूछताछ में चीज़ें आई है तो जितने भी लोग इसमें शामिल था, मृतक और उसके दोनों दोस्त, तीनों लोग जो है फ्री फायर गेम खेलने का काफ़ी आदि हो चुका था। इसका जो है सोचने समझने की शक्ति इतना ज़्यादा आदि हो गया था कि जिस तरह से नशा करते हैं तो उसी तरह से जो है इसमें सोचने समझने की शक्ति जो है बहुत सेंसलेस हो चुका है
सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई है, इमोशनल जो इमोशन होता है वो खत्म हो गया है। तो यह एक तरह से जो है समाज के लिए भी एक एक नया संदेश है कि जो इस तरह के गेम हैं और नशा वगैरह है, इससे अपने बच्चों को दूर रखें ताकि जो है इस तरह की घटनाएं की पुनरावृत्ति नहीं हो। बरहट थाना अंतर्गत चंगेरी मिर्जापुर हाई स्कूल के बाईपास रात्रि करीब 8 बजे अज्ञात वाहन की टक्कर में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान चंगेरी गांव निवासी योगेंद्र यादव के 45 वर्ष पुत्र राजेश कुमार के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि मृतक अपने दामाद के साथ बरहट थाना से मोटरसाइकिल का बेल कराकर वापस घर लौट रहा था। इसी क्रम में चंगेरी मिर्जापुर हाई स्कूल के पास विपरीत दिशा से आ रहे ट्रैक्टर गाड़ी ने ठोकर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल सवार राजेश कुमार गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इलाज करने के लिए परिजन उनको भागलपुर मायागंज ले जा रहे थे कि रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। जानकारी मिलते ही पूरे परिजनों में कोहरा मच गया। मृतक अपने पीछे 3 लड़का 3 लड़की से भरा पूरा परिवार छोड़ गया। परिजन ने बताया कि घटना की जानकारी बाराहाट थाने को दे दी गई है। उत्कृष्ट कार्य व सम्मानजनक मानदेय को लेकर की पर्यवेक्षकों ने बैठक। आज बांका जिले के बौंसी स्थित मंदार पर्वत के तलहटी में जिले के कई स्वच्छता पर्यवेक्षक ने मिलकर अच्छे कार्य हो व सरकार सम्मानजनक मानदेय दे, यही बातों को लेकर आज बौंसी के मंदार पर्वत की तलहटी में बैठक की गई। वही बैठक अपनी अपनी बातों को बुलंद करते हुए संघ की मजबूती पर जोर दिया गया। बैठक की अध्यक्षता कर रहे अनिमेश भगत, जिला पर्यवेक्षक बांका संघ वीरेंद्र कुमार, जिला उपाध्यक्ष कमल कुमार, जिला सचिव ब्रजेश कुमार, कोषाध्यक्ष शेखर कुमार, जिला मीडिया प्रभारी रजनीकांत, मुख्य सलाहकार राकेश कुमार, जिला संरक्षक तपन कुमार, अमरजीत कुमार, वीर प्रकाश, निशा कुमारी, नेहा कुमारी, अनीता देवी, प्रीति कुमारी, वंदना कुमारी एवं सैकड़ों स्वच्छता पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में यह कार्यक्रम संपन्न किया गया। बांका जिले के तमाम स्वच्छता पर्यवेक्षक एक जगह एकत्रित इसलिए हुए हैं कि बांका जिला में स्वच्छता का सही पैगाम जाए, हर घर में जो है स्वच्छता हो। जितने सारी बीमारी उत्पन्न होती है उसका जड़ स्वच्छ नहीं रहने से होता है। तो हम लोग ये संदेश देने के लिए अपना एक स्ट्रक्चर बनाए कि प्रत्येक पंचायत में हमारी गतिविधि किस प्रकार मजबूत हो कि स्वच्छता जो है हमारा प्रत्येक वार्ड घर घर साफ हो, जिससे बीमारी दूर हो जाए और हम लोग आपस में जो हम लोग का जो अपना मानदेय है वह भी थोड़ा बढ़े। मानदेय है 7,500 रुपया और 5 से 7 हज़ार दिया जाता है और काम के आधार पर ये है। मैं है कि जैसे हमारा कार्यक्रम है बैठक का पैसा है, बैठक के पैसा को उसमें एडिंग किया जाता है। ये हमारा कार्यक्रम को चलाने के लिए दिया जाए कि हमारा जो मानदेय हो वह सम्मानजनक हो। काहे कि हम लोग काम इसमें करते हैं, मॉर्निंग फॉलोअप करते हैं, शाम में भी इवनिंग फॉलोअप करते हैं, काम हम लोग सुबह से लेकर शाम तक करते हैं। जो परिश्रम उचित हो सरकार वो हमें दे। मैं अवनेश भगत, जिला अध्यक्ष स्वच्छता पर्यवेक्षक संघ बांका। हम लोग पूरे बांका को कितना बेहतर से बेहतर बना सकें इसके विषय में हम लोगों ने अपना एक बैठक रखा और हम लोगों की कुछ मांगे थे जो कि सरकार के पास मैंने पहले दिया था, जिसके से मुझे आश्वासन मिला था सांसद महोदय से, विधायक महोदय से, कि आपकी मांगों को जल्द से जल्द पूरी की जाएगी। देश कुमार हुआ, जिला स्वच्छता पर्यवेक्षक संघ के कोषाध्यक्ष पद पर हैं। मैं सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि ये जो अभियान है जिसकी सरकार घर घर चर्चा करती है और रियल में बहुत अच्छा अभियान है, जिससे सरकार तो इसका प्रचार प्रसार करती है, जनता भी काफ़ी लाभान्वित है। स्वच्छता पर्यवेक्षक संघ का हम सचिव भी हैं और आज जो हम लोग मंदार के पावन स्थल पर जो आज एक बैठक रखे थे, खास करके संघ को मजबूत करने के तौर पे, और दूसरी बात यह है कि हम लोग हर घर जाके मतलब सफाई अभियान चलाते हैं और भारत सरकार का जो स्वच्छता अभियान है उस चीज़ को हम लोग घर घर पहुँचाने का काम करते हैं, और काम करने के बावजूद भी हम लोग को क्या कहा वैसा मानदेय नहीं मिल पाता जो हम लोग का भरण पोषण भी सही तरीके से हो सके, ऐसा भी नहीं है। इसलिए हम लोग सरकार से चाहते हैं कि हम लोग का मानदेय सम्मानजनक हो और साथ ही साथ बांका के सभी स्वच्छता पर्यवेक्षक संघ के सभी साथियों से हम आग्रह भी करते हैं वो लोग एकजुट होकर चले। गैस लदे मिनी ट्रक ने कोयला लदे बाइक सवार युवक को कुचला, मौके पर हुई दर्दनाक मौत। धोरिया थाना अंतर्गत सनहोला मुख्य मार्ग पर 80 गांव में एक मिनी ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार गैस टैंकर लेकर धोरिया से सनहोला की तरफ आ रही मिनी ट्रक ने 80 गांव में विपरीत दिशा से आ रहे बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बाइक सवार बाइक पर कोयला लेकर आ रहा था, वहीं ट्रक चालक ट्रक लेकर गाजीचक स्कूल के समीप ट्रक लगाकर फरार हो गया। इस दौरान
घटनास्थल पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सूचना पर धोरिया थाना अध्यक्ष अशोक कुमार पुलिस बलों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बांका भेज दिया। मृतक की पहचान धोरिया थाना क्षेत्र के कदमा गांव निवासी मोहम्मद शुक्र के 32 वर्षीय पुत्र मोहम्मद गुलजार के रूप में की गई है।